बी कॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियस ओ में जहाँ पर आप सीखते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग यहाँ पर मैंने आ, बी कॉम फर्स्ट ईयर में मूल्य राज को पढ़ा दिया है जहाँ पर जो मुख्य टॉपिक थे जिससे आपका क्वेश्चन आना था स्थाई किस पद्धति पहला दूसरा घटती किस पद्धति तीसरा <clears throat> राजकोष पद्धति ठीक है चौथा वार्षिकी पद्धति ठीक ये कुछ टॉपिक है जिनसे टॉपिक बहुत सारे हैं पर इतने टॉपिक से क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आते हैं मतलब ये ज़रूरी है इनका आना ठीक है इनके ऑप्शनल में है अथवा में कभी कभी बीमा पॉलिसी पद्धति आ सकती है है ना ह्रास की दर बदली जाती है वो पद्धति आ सकती है परंतु इनके चांसेस ना के बराबर है पर इनके चांसेस हैं ठीक अब ये ये सभी वीडियो आ, मतलब इस सभी टॉपिक के वीडियो आपको मेरे चैनल के अंदर मिल जाएंगे आपको चैनल के अंदर विजिट करके प्ले लिस्ट देखने हैं प्ले लिस्ट में आपको मिलेगा बी कॉम फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग वहाँ पर आप जाकर के अलग अलग चैप्टर के वीडियो देख सकते हैं ठीक है आज मैं बताने वाला हूँ इस मूल्य में क्या इंपॉर्टेंट थ्योरी है सिर्फ आप थ्योरी लिख करके पंद्रह नंबर कैसे पा सकते हैं पंद्रह नंबर का इस, इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा या फिर आप प्रैक्टिकल बना करके कैसे पूरे पंद्रह नंबर पा सकते हैं दोनों आपको सीखना है तो आपके ऊपर है या तो आप थ्योरी पढ़ के पास हो जाओ या तो प्रैक्टिकल बना करके ठीक है कुछ चीज़ों में शायद दोनों भी आ सकते हैं तो आपको दोनों पता रहना चाहिए तो जो बच्चे प्राइवेट वाले हैं वो थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करें जिन्होंने अब तक प्रैक्टिकल नहीं बनाया या जिनका मन ही नहीं होता ये थ्योरी पढ़ के भी पास हो सकते हैं तो वो क्या क्या इंपॉर्टेंट थ्योरी है मैं अभी डिटेल से बताने जा रहा हूँ तो स्टार्ट करते हैं मुझे बिना किसी के मैं हूँ आपके सर जो आपको पढ़ाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट थ्योरी हो सकती है तो सबसे पहले थोड़ा सा डिटेल में अगर आऊँ तो साइड में मैं आपको बताता हूँ कि जो मुख्य रूप से पहली पद्धति है स्थाई किस्त पद्धति और दूसरा है घट्टी किस्त पद्धति ठीक है इन दोनों ही पद्धति में कुछ पॉइंट है जैसे कि ये क्या है घट्टी क्या है स्थाई क्या है या इनका अर्थ बताइए है ना या इनकी परिभाषा दीजिए जिसको आशय स्पष्ट भी कहा जाता है ठीक है एक मिनट फोन आ गया, थोड़ा सा होल्ड हाँ तो मैं कह रहा था कि इसी को हम आशय भी कहते हैं है ना मूल्यह्रास की या स्थायी किस पद्धति कि की आशय स्पष्ट कीजिए है ना जहाँ पर मूल्यह्रास को पूछना कॉमन है उसके बाद फिर इनको या फिर इनको पूछा जाएगा ठीक है तो आपको स्पष्ट पता होना चाहिए मूल होता क्या है तो इसकी भी परिभाषा दी गई है बुक में आप इसको भी पहले अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि ये आएगा तभी आप दूसरे के बारे में अच्छे से लिख पाएंगे ठीक तो सबसे पहला तो आपको आशय पढ़ना है ठीक है उनका अर्थ परिभाषा जो आशय दिया रहता है लेखकों का परिभाषा इनको आप पढ़ लेना है इनके बाद इन दोनों ही पॉइंट में विशेषता का पॉइंट आपको मिलेगा किसका विशेषता जिसको हम लक्षण भी कहते हैं ठीक है गुण भी कह दिया जाता है दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है लक्षण पूछे तो आप विशेषता या गुण को भी लिख सकते हैं गुण पूछे तो आप इनको भी लिख सकते हैं अगर आपको याद ना हो तो छोड़ के नहीं आना एग्जाम में आप क्या करते हैं अरे मैं तो विशेषता पढ़ा था गुड़ पूछ दिया मुझे ये तो पता नहीं तो छोड़ना नहीं है आप लिख दो दोनों सिमिलर है ज्यादा डिफरेंस नहीं होता आप पढ़ के भी देखोगे कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे बाकी ज्यादातर पॉइंट सेम रहते हैं तो ये आपको पढ़ लेना है ठीक है इसके बाद दोनों में अंतर दिया जाता है ठीक है दोनों में क्या दिया जाता है अंतर ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए किसी भी चैप्टर में अगर दो मुख्य पद्धति है दोनों के बारे में पूरा बुक बना है तो इतना तो जरूर पूछेगा दोनों में अंतर क्या है दोनों में समानता क्या है तो अगर समानता दी जाती है तो आपको समानता भी पढ़ना होता है जैसे एफ डब्ल्यू टेलर और हेनरी फेअल में समानता और असमानता है दोनों दिया गया था ठीक है प्रबंध में जो आपने ग्यारहवीं बारहवीं में पढ़ा था तो आपको याद होना चाहिए किसी भी चैप्टर के अगर आप थ्योरी पढ़ के पास होना चाहते हैं तो आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए आपको सबसे पहले तो आशा स्पष्ट करना चाहिए ठीक है कि उसका अर्थ क्या है परिभाषा क्या है फिर उनकी विशेषताओं को अनिवार्य रूप से आपको पढ़ना है अब आगे जो पूछा जाएगा वो फिर आपको डिपेंड करता है क्वेश्चन में वो जो पूछा गया वही लिखना है लाभ पूछा होगा तो आप लाभ लिखेंगे दोष पूछा होगा तो दोष लिखेंगे दो टॉपिक में से अंतर पूछा तो आप अंतर लिखेंगे समानताएं पूछा तो आप समानताएं लिखेंगे ठीक है ये आपको पढ़ लेना है घटती किसको क्या है एक कानूनी मान्यता प्राप्त है ठीक है तो अंतर में ये सब टॉपिक मिलेगा लेकिन इनके विशेषता में भी आप, मैं आपको ये पॉइंट मिलता है ठीक है तो इन दोनों को इस तरह से आपको पढ़ के रखना है ताकि एग्जाम में इनसे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपसे छूटे ना वो आपसे बनना चाहिए ठीक है आगे आते हैं <स्थ> दूसरा उच्चवाचन नाम का एक शब्द मिलेगा आपको उच्चवाचन अप्रचलन ये सब अगर आपको फर्स्ट ईयर बुक बुक में ना मिले तो आपको क्लास का बुक देख लेना है अकाउंट का जहां पर आपको मूल्य राश ओपन करा है वहां पर जितने अच्छे से थ्योरी दी गई जितने कम शब्दों में उतना तो भी आप लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा छोड़ेगा नहीं मतलब छूटेगा नहीं एक होता है गत प्रयोग ठीक है इनमें कंबाइन कंबाइन करके अंतर एक इनका अंतर एक इनका अंतर एक इनका अंतर एक इनका अंतर ऐसे कर करके लगभग पांच छो अंतर आपको मिल जाएगा इन अंतरों को आप पढ़ लेंगे ठीक है इतना अगर आपने पढ़ लिया ना तो आपके एग्जाम में थ्योरी कोई भी आए पंद्रह नंबर के लिए वो थ्योरी आपसे पूरा बनेगा इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है जो मैं आपको अभी यहाँ पर बताने जा रहा हूँ ठीक है देखिए ध्यान से वो क्या क्या थ्योरी है जो आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए ठीक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर अच्छा वीडियो आने के नहीं, ठीक, देखिए यहाँ पर बीमा पॉलिसी विधि और कोष विधि में अंतर पूछा है ठीक है बीमा पॉलिसी और हरास में अंतर अलग होता है पर विधि का अंतर पूछा है तो विधि का अंतर आपको अलग से याद रखना है सात पॉइंट में अंतर है आपको सातों पॉइंट याद रखना है ये ग्यारहवीं बारहवीं जैसा नहीं है कि पाँच नंबर का आना है तो सिर्फ पाँच पॉइंट पढ़ो छः नंबर का आना तो छः पॉइंट पढ़ो इसमें जितना दिया है पूरा पढ़ो और पूरा लिखो क्योंकि जितना पूरा लिखोगे जितना स्पष्ट और सही लिखोगे फेकोगे ज़्यादा नहीं तो आपको फुल नंबर मिल जितना आप फेक फेक के लिखेंगे कम कम लिखेंगे आपको कम नंबर मिलेगा कॉलेज में याद रखिएगा तो आपको सही रूप से सटीक रूप से जो पूछा गया बस उत्तर लिखिए ठीक है ये हुआ आपका एक थ्योरी है ना इसको टिक लगा के रखिए बुक में बुक होगा ना तो निकाल के बैठो और फटाफट टिक लगाते जाओ कि मैं क्या-क्या एएमपी बता रहा हूँ जिसको आपको पढ़ना है ठीक है छोड़ना बिल्कुल नहीं है <laughs> ये भी शायद वही है ठीक डबल डबल हो गया हाँ एक ये है इसको डिटेल करूंगा भी बड़ा ठीक तो देखिए यहां पर आपको ये अलग अंतर है हरास कोष पद्धति और बीमा पॉलिसी पद्धति ये दोनों को एक साथ कंबाइन करके पढ़ना विधि वाले को और ये पद्धति वाले को ठीक है जो मैं बताया था दोनों अलग अलग है इनको पढ़ना नीचे इनके बारे में दिया है कि इस विधि के अंतर्गत ये निम्न जो तीन तीन चार चार पॉइंट है ये आपको पॉइंट पढ़ करके रखना है ठीक है क्योंकि ये कंप्लीट पूछा जाएगा अगर एग्जाम में आएगा तो क्योंकि पंद्रह नंबर का क्वेश्चन होने वाला है ठीक है ये देखिए अप्रचलन का पुरानी संपत्ति की कीमतों पर प्रभाव है महाराज यही लिखा जाएगा हेडिंग में जो दिया गया क्वेश्चन आप अप्रचलन का प्राणी संपत्ति की कीमतों पर ह्रास या क्या प्रभाव पड़ता है स्पष्ट रूप से बताइए ठीक है तो यहाँ पर लाइन से इसके नीचे जो थ्योरी दी गई है जो उसी पॉइंट से रिलेटेड है वो आपको पूरा पढ़ लेना है ये अभी और भी बहुत सारे हैं ठीक है तो एक ये जो पहले वाले पर था ये दूसरा थ्योरी है जो कि आपको अलग अलग पढ़ के रखना है क्योंकि एग्जाम में कोई भी एक थ्योरी पूछा जाएगा या तो इनका पहले वाले का पूछे तो इनके बाद वाले का पूछे है ना लेकिन पूछेगा पुछ, जरूर तो आपको पढ़ करके रखना है ठीक आपके प्रैक्टिकल है ठीक कुछ यहां से बताऊंगा जो अति लघुत्री लघुतरी करके या एक शब्द वाले आपको दिए जाते हैं ठीक है वस्तुनिष्ठ रूप में जैसे यहां बताया गया है तो देखिए एक नंबर का तो आना ही रहता हाँ लेकिन जिनका सेमेस्टर वाइज अभी होना रहता है एग्जाम जिनका नहीं हुआ होगा उनके में एक नंबर तीन नंबर दो नंबर चार नंबर पाँच नंबर सात नंबर सब के क्वेश्चन आते हैं तो फिर वो बच्चे जिनका एज चैप्टर से आना है अगर सर सर या मैडम ने बता दिया होगा तो फिर आप इनका तैयारी कर सकते हैं ठीक है नहीं तो बोर्ड एग्ज़ाम में ये तो ऐसा तो आता नहीं है पंद्रह नंबर का सीधा एक क्वेश्चन आता है ठीक हाँ ऑब्जेक्टिव रूप से आना होगा तो आप पढ़ सकते हैं या फिर ठीक अब आते हैं कुछ क्वेश्चनों पे है ना तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये सबसे सिंपल प्रश्न है छोटे छोटे हैं जिसमें आपका एक पेज भी पूरा मतलब कंप्लीट होगा कि नहीं हम नहीं कह सकते एक पन्ना एक पन्ने के दो भाग होते हैं एक पीछे का एक सामने का इसमें उतना भी भर पाएगा कि नहीं ये हम नहीं कह सकते क्योंकि बहुत छोटे प्रश्न हैं तो ये पंद्रह नंबर के लायक किसी भी एंगल से नहीं है क्योंकि ग्यारहवीं बारहवीं में ये क्वेश्चन ही नंबर का हाइएस्ट आता है छः नंबर का भी नहीं दिया जाता उस दृष्टि से आपको याद रखना है कि ज़्यादा बड़े सामने के क्वेश्चन नहीं हैं परंतु वही बता इसलिए रहूँ क्योंकि अगर पंद्रह नंबर के क्वेश्चन को इस चैप्टर के अगर आपसे टुकड़ों में पूछा गया एक छः एक पाँच चार तब आपको इनको पढ़ लेना है अन्यथा इसको छोड़ के आप आगे बढ़ सकते हैं ठीक है ठीक तो उदाहरण से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में तो उदाहरण से आपको उदाहरण नंबर पंद्रह पढ़ करके रखना है समझ करके रखना है ठीक है इसमें बस ये है कि एक छोटा सा क्वेश्चन है पर दो अलग अलग रूप से कंडीशन में पूछा है एक की कंडीशन जब हरास आयोजन खाता ना बनाया जाता हो जब हा हरास आयोजन खाता बनाया जाता हो तो इन दोनों ही कंडीशन के अनुसार आपको बनाना है तो कंडीशन वन कंडीशन बी ऐसे लिख करके ए बी करके आपको सॉल्व करना होता है तो ये आप एग्जांपल है इसको आप अच्छे से देख सकते हैं आपके बुक में होगा जिनके बुक में नहीं है वो बच्चे स्क्रीन ले सकते हैं ठीक है ये रहा इसका ऊपर हिस्सा आइए उसके नीचे का ठीक है इसका आप स्क्रीन इस ले सकते हैं ठीक बहुत सारे क्वेश्चन अभी आना है जो कि मैं लाइन से आपको बताते जा रहा हूँ वार्षिकी पद्धति बीमा पॉलिसी पद्धति ठीक है क्या इम्पोर्टेंट है क्या अनइम्पॉर्टेंट है सब बताने जा रहा हूं ठीक है बस ध्यान से देखिएगा <laughs> <laughs> वार्षिकी तालिका की सहायता से हम जो क्वेश्चन बनाते थे वार्षिकी विधि वार्षिकी विधि का आपको एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी वन और जो मैंने क्वेश्चन बनाया था हाल ही में मैंने अपलोड किया है वार्षिकी विधि मूल्य राश की वार्षिकी विधि वहाँ पर आपको दो क्वेश्चन आई एम पी है उनको आप देख सकते हैं क्योंकि टॉपिक बहुत सारे हैं जिसके अंदर भी बहुत अलग अलग क्वेश्चन है पर उनमें से भी कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं वो भी आपको बताता हूँ तो जैसे कि अभी मैंने आपको उदाहरण पंद्रह बताया था वैसे आप उदाहरण नंबर इक्कीस और इसके जो दो क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन इधर बहुत सारे होंगे चार पाँच को इनमें से कोई दो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है वो आप देख सकते हैं ठीक है सरल होते हैं ये पद्धति आपको पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए इसकी तैयारी करना है ठीक है आगे बढ़ते हैं ठीक बीमा पॉलिसी बीमा पॉलिसी पद्धति इस बीमा पॉलिसी पद्धति के आपको दो ही क्वेश्चन दिए गए हैं तो आप इसके एग्जाम्पल को देख सकते हैं और इनमें से कोई एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं बनता होगा तो आप दोनों बना लेंगे नहीं तो फिर एक वार्षिकी विधि का आप क्वेश्चन नंबर तेईस को मैं बोला था ना बनाएंगे तो चलेगा आप इसके क्वेश्चन नंबर चौबीस को बना सकते हैं चौबीस पच्चीस को या फिर ये भी चलेगा ठीक है लेकिन हाँ एग्जाम्पल को नहीं छोड़ना है जो मैंने आपको बताया था ठीक है हाँ इसके अलावा ऊपर में क्या क्या पद्धति है हाँ वो हरास विनियोग खाता है हरास कोष खाते की क्वेश्चन है हरास कोष खाते के क्वेश्चन है इधर से लेकर ऊपर तक का इनका भी आप दो तीन बना बना करके आपको देखते रहना है ठीक है जिनमें से मैंने इस वाले को बताया था आप इन तीनों में से कोई भी दो बना करके देखेंगे और मेरा वीडियो जिसमें मैंने इसके एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था और एक एग्ज़ाम्पल को ठीक है आगे बढ़ते हैं घटती किस पद्धति कि के और भी कुछ 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 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने होते हैं आ, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर सोलह क्वेश्चन नंबर सत्रह इनका आप प्रैक्टिस करेंगे हरासोस में आप अठारह और उन्नीस को बना के देखेंगे है ना ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है पर मोस्ट इम्पोर्टेंट तो कोष पद्धति ठीक है घटती और स्थाई से भी ज्यादा ये भी उन्हीं के एग्जाम्पल थे जिसको मैं भी डिलीट कर रहा हूँ है ना क्वेश्चन उदाहरण नंबर सोलह इसमें भी आप पढ़ सकते हैं मैंने आपको बताया था अलग अलग पद्धति से बोला गया था दो कंडीशन बोले गए थे इसलिए दो कंडीशन से बनाया गया था यह आप देख सकते हैं ठीक इसके बाद ये सब छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन इतने भी छोटे नहीं कि कम से कम आप पार्ट नंबर ना दिला सके ये क्वेश्चन है उसके लायक है टुकड़ों में जिनका आना है सेमेस्टर वाइज वो इनको पढ़ेंगे नहीं तो जो पंद्रह नंबर के क्वेश्चन का तैयारी करना चाहते हैं वो इनको ना ही पढ़े तो अच्छा है थोड़ा सा देख लेना पर एकदम इसी पे फोकस रहना इसी को बना करके डिपेंड रहना कि एग्जाम में बन जाएगा ये गलत हो जाएगा ठीक है यहाँ पर स्थाई किस पद्धति से और वो क्रमागत था ये स्थाई में से आप इस पाँच को बना के देख सकते हैं क्योंकि ये आई भी है और ऐसे क्वेश्चन पहले आए भी हुए हैं आप पाँच साल का क्वेश्चन पेपर आप चेक कर सकते हैं जहाँ पर आपको मिलेगा मोटर कार से संबंधित वाले जो प्रश्न है वो आते ही है तो ये ट्रक वाले ये आप बना करके देखेंगे ठीक है तो यहाँ तक के मैंने कुछ एम क्वेश्चन आपको बताया जहाँ पर कुछ थ्योरी थे और ये कुछ प्रैक्टिकल मैंने बता दिया इनका आपको प्रैक्टिस कर लेना है थ्योरी के बच्चे पूरे थ्योरी को पढ़ लें प्रैक्टिकल के बच्चे पूरे प्रैक्टिकल को पढ़ लें जिनको ये भी डाउट है कि यार प्रैक्टिकल नहीं बनेगा अभी भले बन रहा है पर बाद में वैसा नहीं आया तो तो फिर आप थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों का तैयारी करके रखिए अगर आपसे हो सकता है आप सौ परसेंट तैयारी कर सकते हैं दोनों का बिल्कुल कीजिए अपने तरफ से कोई कमी मत कीजिए अगर आपसे प्रैक्टिकल बन जाता है और आपको कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं है तो बिल्कुल आप प्रैक्टिकल पर डिपेंड रहें लेकिन आपको हल्का सा भी अगर दस परसेंट भी अगर डाउट होता है एग्जाम को लेकर के तो आप थ्योरी पढ़ के रख सकते हैं इसमें नुकसान कुछ नहीं है आप सीख रहे हैं आप पढ़ रहे हैं तो आपको सीख रहे हैं आप कल कल किसी को इसके बारे में अच्छे से बता सकते हैं लेकिन तभी बता पाएंगे जब आपने इसको पढ़ा होगा तो पढ़ना वेस्ट कभी नहीं जाता बिल्कुल उसको पढ़िए समझिए तो इसी तरह से और भी बहुत सारे चैप्टर हैं जिन पर आपको डाउट होगा कि क्या क्या पढ़ें क्या इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ें क्या इंपॉर्टेंट प्रैक्टिक प्रैक्टिकल पढ़ें तो उनके भी वीडियो अगर आप चाहते हैं हर एक चैप्टर यूनिट के चैप्टर्स को मैं बता दूं इंपॉर्टेंट चैप्टर उसके थ्योरी और उसके प्लस प्रैक्टिकल क्या क्या इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए आपको एक कमेंट करना है कि ऐसी और वीडियो बनाइए सर बाकी सब्जेक्ट के लिए और वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स आए और बच्चे सीख पाएँ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अभी के लिए बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय बच्चों कीप प्रैक्टिसिंग